MSI है यहाँ पे जी। हेलो ने मैम, ये कोई लड़की नहीं, ये कोई लड़का ही लग रहा था मुझे। हाँ अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ऑफ कोर्स आई नो, वो तो आवाज चेंज करके आया था। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरे मेरे बोला डाले हुए माली सरकारी कुछ टर्की भी चैट में मंदरा रहे मंडला रहे हैं वो, क्यों नहीं होंगे टर्की? टर्की तो हर जगह होते हैं भाई। जी बोलिए क्या कहना चाहेंगे, मैम, कहाँ से आपका आप? आपका आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपका एक रोस्टिंग चैनल क्यों नहीं खोलती है? आपके वैसे मीम भी बने हैं ना दो चार, आपके क्लिप्स के। यही है ना रोस्टिंग चैनल, ये कौन सा सीरियस चैनल रह गया है अब? यही रोस्टिंग चैनल है, इंग्लिश वाला मेरा सीरियस चैनल है, ये वाला कभी कभी रोस्टिंग चैनल हो गया है अब। आपके वन लाइनर्स कभी कभी बहुत फनी होते हैं। मैं हेडफोन लगा के सुनता हूँ ना, मैं जॉब पे रहता हूँ तो मैं कभी कभी जी हंसी आ जाती है मेरे को जबरदस्त। लेकिन एक चीज है मैम, अच्छा एक चीज है कि ऐसे लोगों से आप बहुत अच्छे से डील करते हो। मतलब कैसे इन लोगों को संभालते हो आप? इतने नेगेटिव लोग भी आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बट ये कि इनको इतना इम्पोर्टेंस देने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ पागल आते हैं ना, क्यों आप अपने जिंदगी का 1 घंटा इनको दे रहे हो? उस टाइम में आप कुछ क्वालिटी क्वालिटी कंटेंट भी दे सकते हो, कुछ अच्छा काम आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। कुछ गधे हैं जिनको टाइम नहीं देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका इस हाँ बात नहीं, का? अब मैं देखो, मैं मेरे पास में कल अपनी लास्ट स्ट्रीम सुन रही थी तो उसपे सारे ज्यादातर मोमिन आए हुए थे और मैं यही बोल रही थी कि यार मैं आपको इतना टाइम देती हूँ, मगर देखिए जब मैं मोमिनों के साथ बात कर रही हूँ, जैसे ये आते हैं यहाँ पर हमारे आसिफ अली जी जो आए हैं आज, पॉइंट ये नहीं कि मैं इनके साथ क्या बात कर रही हूँ, ये जो बातें कर रहे होते हैं वो दूसरे लोग सुन रहे हैं। मैं दूसरों को सुनवाना चाहती हूँ कि ये क्या थिंकिंग है इनकी, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स। तो आई नो कि ये मोमिन जो यहाँ आते हैं वो ठीक है, उन लोगों के साथ टाइम लग जाता है, मैं प्रिफर ये करती हूँ कि वो आके मुझसे बात करें ताकि लोगों को पता चले कि थिंकिंग क्या है। अब आपके सामने आसिफ अली बैठे हैं, इनकी थिंकिंग आपको पता चल गई है, वो दूसरे आते हैं उनकी, जितने डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट्स आते हैं उनकी थिंकिंग आपके सामने आ रही है। और जो दूसरे मुसलमान बैठ के वहां बैठे हैं ना, अगर मैं एक भी मुसलमान बैठ के वहां कहता है यार ये बात जो हो रही है ये मेरी समझ में नहीं आ रही है, इट डजंट मेक सेंस, अगर वो सिर्फ उसको क्वेश्चन भी कर लेना, वी हैव डन आवर जॉब। अब मुझे हिंदुओं को थोड़ी समझाना है, हमें तो मुसलमानों को समझाना है, राइट? तो दैट्स व्हाई आई लाइक टू टॉक टू देम। हाँ बस ये अब जैसे बेगम ये आई थी जो, ये ऐसे लोग आ जाते हैं वो एंटरटेनमेंट थोड़ी बहुत चलती है, तो आई डू वांट टू कीप इट एंटरटेनिंग, एट द सेम टाइम मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा मैसेज भी जाए उसके साथ साथ, यू नो। तो बिल्कुल जैसे कि वो जो आए थे हमारे शबीर मीर आए थे, शबीर मीर आपने मुझको जो है ना बहुत वो कर दिया है, मोटिवेट कर दिया है कि मैं एक लॉन्ड्री पे गाना लिखूं। तो देखिए आपने उस दिन आए हैं, आप लोग आते आप मुझे और कीड़ा करते हैं, मैं और मोटिवेटेड होती हूँ, अब मैं लॉन्ड्री पे एक रीमिक्स बना रही हूँ आपके लिए सिर्फ। अच्छा एमएससी कुछ और बोलना चाहेंगे आप? एल्बम का नाम होगा लॉन्ड्री लवर। मोहम्मद द लॉन्ड्री लवर, प्लीज प्रॉफिट द बी लवर अपॉन। ऑफ लॉन्डी, द लॉन्डी मैन। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट जॉनी सिंस? तोबा तोबा तोबा, क्या गंदी गाली निकल गई मेरे मुंह से, बहुबाली जी। आज देखिए आज से आपने किसी को गाली देनी है ना तो उसको ये बोलना खयाम, बस गाली यही है, ही इज इन चाइनीज मोगल। अरे आप छोड़ो ना उसको बहुबाली जी, थैंक यू सो मच। अभी पता है लोगों की कितनी नीचे से मिर्चें लग रही होंगी, बहुबाली जी आते हैं और वो बहुत ही हॉट पेपर नहीं होती है, पता नहीं कहाँ से आती है, मेक्सिको से आती है, बहुबली आते हैं वो क्रश करते हैं उस पेपर को अच्छी तरीके से और वो अपने साथ लेकर आते हैं, जैसे ही वो सुपर चैट मारते हैं ना लोगों की गांड में वो पेपर लग जाती है, पता है ना आपको बहुबली जी। आप जाए वहां पे लकीर देख देख के, वहां पे ऐसे उड़ाए वहां पे लकीर देख देख के। लकीर तो आपने भी देखी थी मैडम, देवी जी देवी जी, आपने भी तो लकीर ही देखी थी ना महालीज की, जब आप आई थी महालीज बड़ी अच्छी है, महालीज बड़ी अच्छी है, समझ में आई ना, मेरी लकीर बड़ी बुरी लगने लगी है लोगों को, भाई मेरी लकीर है आपको क्या तकलीफ, लकीर देखें वो फकीर देखें जो भी देखें, आप नहीं दिखा सकती हो तो जलो तो मत ना। अच्छा मालिश मैम, भी ये लकीर पे कनाडा लगी का,
मैम ये कनाडा का वेदर अभी कैसा है? वहाँ ठंड है या मतलब अभी क्या वेदर कैसा रहता है वहाँ का अभी? बिकॉज इंडिया में तो बहुत ठंड है अभी, अभी रात के 1 बज रहे हैं। अभी बहुत बहुत ठंड है यहाँ पर. ऑब्वियसली इट वेदर चल रहा है ऐसी -5 -6 इसी तरह से चल रहा है. 2 दिन से तो ओ बर्फबारी हो रही बाप रे। थी, आज आज बर्फबारी नहीं हुई है, अच्छा मगर मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ यहाँ वैसे भी बर्फ ज्यादा पड़ती है तो, अच्छा वहाँ जैसे मगर इतना मैं क्यूरियोसिटी खूबसूरत. थी एक जी जी एक क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर। जैसे देखिए हम लोग तो कभी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ पर्सनली, मैं तो कभी इंडिया से बाहर नहीं, एक बार दुबई ही गया था घूमने के लिए, या फिर बाकी नेपाल गए घूमने के लिए, आउट ऑफ वेस्टर्न कंट्री या यूरोप में कभी गए नहीं, कभी ऐसा शायद फ्यूचर में जा पाए। तो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी, जाननी थी कि वहाँ तो पॉपुलेशन बहुत कम होगी ना इंडिया पाकिस्तान से, और दूसरी बात ये कि क्या वहाँ भी पान की दुकान होती है जैसे यहाँ हमारे इंडिया में या फिर पाकिस्तान में ठेले होते हैं, समोसे होते हैं, चाट, क्या वहाँ ऐसे होते हैं? क्या ऐसा माहौल है वहाँ? ऐसे ठेले नहीं होते हैं जैसे आपको पाकिस्तान इंडिया में मिलेंगे. हाँ वेंडर्स होते हैं मगर वो प्रॉपर बने हुए होते हैं. पान की दुकानें बहुत हैं भाई यहाँ. अगर आप यहाँ टोरंटो में जाओ, वहां पर एक है जेरार्ड स्ट्रीट, तो सबसे पहले जब मैं यहाँ आई हूँ तो पाकिस्तानी खाना वगैरह इतना नहीं मिलता था, वो 2 3 जगहों पे ही मिलता था. तो जेरार्ड स्ट्रीट थी जहाँ पर इंडियन शॉप्स थी, इंडियन खाने मिलते थे एंड एवरीथिंग लाइक दिस. मगर अब ऐसा हो गया है कि आपको हर जगह हर चीज मिल जाती है. आपको शान मसाले हो, बिरयानी बनाने का मसाला हो, बासमती राइस हो, या आपको ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं नॉर्मल. दूसरी चीज ये कि जहाँ ब्रैम्पटन और मिसिस सागा का जो एरिया है वहां पे बहुत सारी देसी शॉप्स हैं, वहां पान भी मिल, सब कुछ मिलता है यहाँ पे. यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब नहीं मिलती आपको. पहले जब हम आए थे, 25 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो हम, क्योंकि मैं डाउनटाउन रहती थी तो डाउनटाउन में हमको ट्रैवल करके जाना पड़ता था एटलीस्ट लाइक 15 20 मिनट. एक शॉप थी वहां से लेकर आते थे. मगर अब आपको हलाल मीट भी मिल जाता है ग्रोसरीज पे. आप कहीं भी जाओ, कॉस्को है, कॉस्को जाओ, वहां पे हलाल मीट भी मिलता है आपको. यू गेट एवरीथिंग एवरीवेयर. पान नहीं मिलता वहां पे, मगर पान की शॉप्स हैं, वो पान भी बेच रहे होते हैं वहां पर, दही बल्ले, चाट, बर्गर, ऑल दीज थिंग्स. एक्चुअली डाउनटाउन में जेरार्ड स्ट्रीट पे एक जगह है, उन लोगों को मैं मार्केट कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो बर्गर बर्गर बनाते हैं वहां पर, तो वो रात के 4 बजे तक तो खुली होती है. तो हम लोग जब क्लब वगैरह जाते थे जब मैं वहां काम करती थी डाउनटाउन में, तो उसके बाद फिर हम आते थे वहां पे गोलगप्पे और बन कबाब और ये सारी चीजें खाने के लिए. तो इट्स अ वेरी नाइस स्पॉट टू गो एंड ईट देयर. अच्छा मैम, जी जैसे हम लोग धन्यवाद. एथियस्ट हैं, आप एथियस्ट हो, मैं, सारे लोग एथियस्ट हैं, तो हम लोग तो मरे मुर्गे खा सकते हैं? मरे मरे मुर्गे खाते हैं, जिंदा मुर्गा कौन खा रहा है भैया, मेरे को ये बताओ पहले. मरे हुए मतलब हलाल तो कोई जरूरी है नहीं, बिकॉज हम तो अभी एक्स मुस्लिम है तो खा सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है। अच्छा उस दिन पता है, उस दिन एक बंदे ने आके बात करी थी कि हालांकि वो एथियस्ट ही था, मगर वो कहना है कि ये लोग जो है ऐसा गोश्त खाते हैं इससे इनका दिमाग खराब हो जाता है. तो हलाल और झटके का गोश्त से ये कहते हैं. मैं क्योंकि बचपन से हलाल ही गोश्त खाया है तो मेरी मेरा जो टेस्ट है ना वो वही डेवलप हुआ हुआ है. मैं गोश्त बकरे का खाती नहीं हूँ ना दुम्बे का खाती हूँ, मुझे उसमें से हमक आती है तो मैं वो कभी भी नहीं खाती हूँ. बहुत कम मैं पोर्क खाती हूँ और मैं मीट भी बहुत कम खाती हूँ. जैसे मैं घर में कबाब बना लिए तो खा लिया, बाहर अच्छे रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो स्टेक खा लूंगी, वरना मैं हर जगह का मीट भी नहीं खाती हूँ. तो मुझे जो है गोश्त में से हमक आती है, अगर मैं स्टोर वाला लेकर आती हूँ ना, तो मुझे तो हलाल अच्छा खाने की आदत इस वजह से है क्योंकि मुझे उसमें से हमक नहीं आती है. हालांकि हलाल जिस तरीके से काटते हैं उसमें एनिमल सफर ज्यादा करता है. जो झटके का गोश्त जी ये कहते हैं ना, उसमें तो आप एक ट्रैंक्यूलाइजर आपको लगाया, वो झटके से ही मर जाते हैं ना, दे जस्ट देयर डेड. सही बात है। मगर उसमें से हमक आती है मुझे, स्पेशली जो चाइनीज वाले वो बनाते हैं ना उसमें बड़ी हमक आती है. या नहीं, चलिए मैम, आई थैंक यू प्रेफर सो अभी भी मच। हलाल. ना चले, थैंक यू जी सो मच, टेक थैंक यू केयर. सो मच। अच्छा मैम एक और मेरे को बात पूछनी थी, जैसे कि हमारे इंडिया में, या मैं जैसे यहाँ देखता हूँ, मैं तो रोज ट्रेवल करता हूँ सुबह सुबह, मैं ये सवाल छोड़ के मैं चला जाता हूँ, स्ट्रीम से बाहर हो जाता हूँ, बाकी और भी लोग होंगे तो मैं चला जाता हूँ, फिर आप जवाब देना। जैसे हम लोग सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि अभी भी आपने भी वो माहौल पाकिस्तान में देखा होगा कि जैसे लोग ऑटो में बैठते हैं, रिक्शा में बैठते हैं ना, आप भी बैठी होंगी, तो हाँ पैसे के लिए भी झगड़े होते हैं, जैसे 20 रुपए किराया है तो फिर आधे रास्ते में जाके नहीं भाई 15 ही दूंगी, या फिर जो
शेयरिंग ऑटो लेते तो उसमें प्रॉब्लम्स होती है, झगड़े होते, तो क्या वैसे झगड़े वहां कनाडा में भी होते हैं क्या पैसे के लिए? यहाँ पर आप बैठ के टैक्सी में ये नहीं कह सकते मैं इतना दूंगा। वो टैक्सी वो अपने मीटर ऑन करता है, तो यू हैव टू पे दिस मच। अब तो उबर आ गई है, दूसरी कौन सी है वो यार, लिफ्ट आ गई है, तो वो तो ऑटोमेटिकली फोन के थ्रू हो जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड ऐड है उस पे। एंड नो, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। आप जाके बार्गेनिंग आप कर सकते हो, ऐसे फ्ली मार्केट्स वगैरह में जाते हो तो बार्गेनिंग कर सकते हो, मगर आप किसी प्राइवेट शॉप में भी जाओ तो कोई बार्गेनिंग नहीं होती है यहाँ पर। इट्स नथिंग लाइक दैट। व्हाट्स हमक? हमक यानी कि स्टिंक, एक स्मेल आना, एक आफ्टर टेस्ट जिसे कहते हैं ना, आना जब आप बात करते हैं।